समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आज वाराणसी आने वाले हैं। उनका वाराणसी आगमन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो अपने पुराने संबंधों का निर्वहन करते हुए सुड़िया पर जो राजवैद पंडित शिवकुमार शास्त्री जी का मकान है वहाँ पर वो शामिल होने आ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे उनके परिवार के लोग। सर अपना नाम और परिचय बताइए। मैं मनोज कुमार वैद्य जी के परिवार से काफी पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। मनोज जी फिलहाल क्या अभी जानकारी है मुलायम सिंह जी की और कब तक आने की उनकी संभावना है? मध्याह्न के समय वो यहाँ पर बनारस में आएंगे लगभग ऐसे। और मुलायम जी से तो हम लोगों का पुराना संबंध है और उन्होंने संबंधों का निर्वहन हमेशा किया है। हम लोगों का एक आत्मीय संबंध है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लगभग कितने साल पुराने संबंध होंगे अगर वैद्य जी से बात की जाए, किस तरह से मतलब यहाँ से संबंध रहा है? मुलायम सिंह जी से इस परिवार का संबंध तब का है जब वो राजनीति में उनकी शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस समय से संबंध। फिलहाल इनका बताया जाता है कि उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट भी वैद्य जी के द्वारा किया जाता था। हाँ वो सब तो है ही है लेकिन संबंध तो जो है उसके काफी पहले का है। उनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है भगवान की दया से और ठीक भी हुआ है वो आज तक जो है। तो आज मुलायम जी अकेले हैं कि और कोई भी साथ आने वाला है? संभावना है कि परिवार के एक आध लोग उनके साथ आएंगे। फिलहाल लगभग कितनी देर का कार्यक्रम होगा यहाँ पर उनका? अब चूंकि पारिवारिक संबंध है तो उनके मर्जी पर है, घंटा भर रह सकते हैं, दो घंटा रह सकते हैं। फिलहाल मुलायम सिंह जी का काफी पुराना संबंध इस परिवार से रहा है और जैसा कि मनोज जी का कहना है कि जब राजनीति में आए थे, उनकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त से पंडित शिवकुमार जी के साथ उनके संबंध रहे हैं और उनकी बीमारी के समय भी उनका सारा इलाज वाराणसी के इसी परिवार के द्वारा पंडित शिवकुमार शास्त्री जी के द्वारा किया जाता था। और जैसा कि हर कोई जानता है मुलायम सिंह जी अपने संबंधों का निर्वहन शुरू से करते आए हैं और उन्हीं संबंधों का निर्वहन करते हुए आज वो वाराणसी में पंडित शिवकुमार जी के घर में उनके त्रयोदशा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।